नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं और आपको थोड़ा सा हटके कुछ अलग दुकान शुरू करना है, आपको किराना दुकान, कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान, इनके अलावा कुछ थोड़ा सा हटके अलग करना है, तो आज मैं कुछ ऐसे दुकानों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें आप कर सकते हैं। ये थोड़े हटके हैं बाकी दुकानों से और आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। नंबर एक, फ़ोटो फ्रेम की दुकान। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फ़ोटो फ्रेम बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी यादों को सजोकर रखना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने फ़ोटो को जो क्लिक करते हैं अपने मोबाइल में या फिर कैमरे से जो खिंचवाते हैं, उनको क्या करते हैं कि फ़ोटो में वो अच्छे से सजा कर जो है दीवार पर टांगना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों फ़ोटो फ्रेम का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फ़ोटो फ्रेम बनाने का काम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे में अगर आप फ़ोटो फ्रेम का जो है दुकान शुरू करते हैं या फिर शॉप शुरू करते हैं तो आप उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फ़ोटो फ्रेम कैसे बनाया जाता है इसको आपको पहले सीखना पड़ेगा। आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि फ़ोटो फ्रेम कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। नंबर दो, 3D स्टैचू बनाने का दुकान। दोस्तों आप 3D स्टैचू बनाने का भी काम शुरू कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों 3D स्टैचू क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां आपने देखी होंगी जो बहुत सारे लोग अपने घर में सजा कर रखते हैं, जो कि 3D स्टैचू मूर्तियाँ होती हैं, जो खुद का एक अपना रूप होता है, एक छोटा रूप होता है जिनको वे अपने यादों या फिर अपने करीबी लोगों के साथ में रहने का महसूस करवाती है। वो काफ़ी अच्छा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाती है, तो बहुत सारे लोग आजकल यह कर रहे हैं। तो 3D स्टैचू मूर्तियां बनाने का बिजनेस भी लगातार बढ़ने लगा है। अगर भविष्य की बात करें तो इसका भविष्य बहुत ही बेहतरीन है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप 3D स्टैचू बनाने का काम करें तो इससे भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर तीन, फर्नीचर की दुकान। दोस्तों फर्नीचर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जितना कि आप सोच नहीं सकते। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप फर्नीचर की दुकान शुरू करते हैं तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फर्नीचर रोज़ की ज़रूरत है। दोस्तों अगर इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर चार, टैटू बनाने की दुकान। दोस्तों आप टैटू शॉप भी शुरू कर सकते हैं। टैटू बनाना आजकल लोग ज़्यादा फैशन बन गया है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे युवा लोग होते हैं जो कि टैटू बनवाना पसंद करते हैं। टैटू बनाने का काम में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर कभी टैटू बनवाने नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा और वहाँ कीमत पूछेगा कि कितने में टैटू बनता है। अलग अलग प्रकार के टैटू बनाने के लिए अलग अलग चार्ज किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके लिए चार्ज किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप एक बार यह काम सीख गए तो आपको लाखों कमाने में टाइम नहीं लगेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। तो ऐसे में अगर आप टैटू बनाने का काम करते हैं तो इसे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको यह चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कैसे इसे किया जाता है और आपको जो है मशीनें मंगवानी पड़ेगी, इसके बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। नंबर पाँच, सोलर पावर का बिजनेस। दोस्तों सोलर पावर आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों डीजल पेट्रोल ख़त्म होने लगे हैं, ऊर्जा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में ऊर्जा का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा लेने के लिए हमें सोलर प्लेट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर सोलर प्लेट, सोलर पावर का अगर आप बिज़नेस करें या फिर दुकान शुरू करें तो इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों सोलर ही भविष्य है, सोलर का मांग भविष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे में अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आप किसी अच्छी कंपनी से जुड़ सकते हैं, जैसे कि टाटा हो गया, टाटा सोलर पावर होता है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं और टाटा तो बहुत फेमस कंपनी है। तो दोस्तों इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगने वाला है, पैसा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबर छः, पशु आहार की दुकान। दोस्तों आप पशु आहार की दुकान भी शुरू कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों पशुआ हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, पशुओं की जो है पशुओं के दम पर ही हमारा देश चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप पशु आहार की दुकान करते हैं तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में पशुएँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। तो ऐसे में पशु आहार की दुकान भी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। दोस्तों अगर आपको किसी के बारे में भी डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।